ये जो ग्लोबल साउथ की मीटिंग है, इसमें भी उन्होंने साउथ के जितने ममालिक हैं उनकी तरक्की और उनकी जो सप्लाई चेन टूटा था कोविड की वजह से, हमेशा उस पर कंसर्न उन्होंने जाहिर किया है। इसका मेन जो फोकस था ग्लोबल साउथ का ही होगा, वो यही था कि ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं वो दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड में किस तरह कंपीट करेंगे। वंडरफुल जेस्चर, अप्रिशिएटिव, और मैं जिस तरह बता रहा हूं कि भारत जल्दी से, तरक्की से, स्विफ्टली जो है अपनी लीडरशिप को पूरे साउथ को रिप्रेजेंट करना चाहता है और कर भी रहा है। 1947 से आज आज तक भारत के साथ दुश्मनी को कारोबार बना लिया। सबसे बड़ी तो बात यह है, आपने जब तक ये कारोबार नहीं छोड़ना आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, भारत मान लिया, आप हमेशा कहते हैं कि हिंदू 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 है, ठीक है, अफगानियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेशियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, ईरान के क्या साथ प्रॉब्लम है, सारे आपके मुसलमान भाई हैं वो, क्या आप पाकिस्तान में बैठे चाइना के अंदर वीगर मुसलमानों की आवाज नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? आप फलस्तीन के लिए तड़प रहे हैं, तो आप रोहिंग्या मुसलमान बर्मा के अंदर उनकी आवाज क्यों नहीं बनते? जिस तरीके से इराक और लीबिया में इस वक्त मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है उसकी आवाज क्यों नहीं बनते? सीरिया के अंदर कई ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन दर हकीकत हमारा हमारे हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स और पैसा इन्वॉल्व है। वो ये कहते हैं पाकिस्तान बनाना एक हिंदू आइडियोलॉजी थी। वो क्यों थी? क्योंकि जो भी अफगानिस्तान से पठान चलता था वो सीधा दिल्ली चला जाता था, दिल्ली लूटने के लिए। उन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया, उन्होंने दीवार बना दी दरम्यान में। अब कोई भी पठान जो है वो आता है तो पाकिस्तान रुक जाता है, वो इंडिया पहुंच ही नहीं सकता। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर फॉरेन कंट्रीज की, जैसे आपने बात की, आपने यूएस की बात की, क्या वजह है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पहले नंबर पे तो वहां जाती नहीं? अगर जाती हैं, खबर के मुताबिक अगर जाती हैं तो वो इंडियन लेबल के साथ सेल होती हैं, अदरवाइज मेड इन पाकिस्तान को वहां पे कोई लेता नहीं, कोई खरीदता नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता। क्या इस बात में कोई सच्चाई या कोई ऑथेंटिसिटी है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट इंडिया का लेबल लगे बगैर बिक नहीं सकती? ये बच्चे आपके जो लौंडे लपाड़े हैं भाग भाग के फलस्तीन के लिए जिहाद करना चाहते हैं, टीटीपी के सामने नहीं जाते हैं। आपके पठान भाई हैं, आपको नस्वार खा के आपको जूते मार रहे हैं सुबह शाम। आप खुद लेंगे, आप अगर वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क, दुबई में खड़े होंगे, आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट लेंगे? वो आप तो खुद, मैं कहता हूं, मेड इन इंडिया लगा के बेच रहे होंगे मेरे ख्याल में। तो दर हकीकत ब्रांड या कंट्रीज की इज्जत इस तरह नहीं होगा। वो यही था कि ग्लोबल साउथ के ममालिक हैं वो दूसरी दुनिया के साथ ट्रेड में किस तरह कंपीट करेंगे। वंडरफुल जेस्चर, अप्रिशिएटिव, और मैं जिस तरह बता रहा हूं कि भारत जल्दी से, तरक्की से, स्विफ्टली जो है अपनी लीडरशिप को पूरे साउथ को रिप्रेजेंट करना चाहता है और कर भी रहा है। इट्स अ वंडरफुल थिंग, और मैं इस पे समझता हूं कि इट वॉज अ बिग सक्सेस आफ्टर G20 प्रेसिडेंटशिप। सर इधर क्रेडिट गोज नॉट ओनली मोदी साहब की टीम को, उनको भी क्रेडिट जाता है इस चीज ठीक का। है सर, इधर एक सवाल मेरे माइंड में ये आया, आपने बोला कि पाकिस्तान भी अगर इस मीटिंग का हिस्सा होता तो क्या ही बेहतर होता है। सर केयर टेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, और दूसरे नंबर पे जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, जो हमारा फोकस है इस टाइम, आपको लगता है कि दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर करने का फोकस है हमारा, या हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन की जा रही है कि हम रिलेशन बेहतर करें? हम तो उल्टा अफगानिस्तान ईरान के साथ रिलेशन खराब करते नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर इनवाइट किया भी जाता तो हम, हमें कोई फायदा होता? एक तो हम डिसीजन लेने में आजाद नहीं है, और दूसरे नंबर पे जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान में। तो सर मैंने उसकी ख्वाहिश जाहिर की है, अल्टीमेटली वो कहते हैं हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन बात ये थी ओरिजिनली कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान, जिसके लिए हमने पूरा मुल्क अपना जला दिया है, जब हमारे रिलेशनशिप उनके साथ भी ठीक नहीं है तो हम किसी दूसरे मुल्क के साथ क्या रिलेशनशिप ठीक करेंगे? अफसोस के साथ है, दुख है। मेरी ख्वाहिश थी कि वो जिस तरीके से भारत तरक्कियां कर रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, काश मेरा मुल्क जो है वो भी तरक्की करता। पाकिस्तान को उसमें तरक्की की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि अभी भी जो पाकिस्तान के हालात हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के लिहाज से, काकर साहब के बारे में वजीर आजम है हमारे, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, उनका नाम किसी घड़े में से निकला है, पता नहीं किस तरह निकला है, जिनके बारे में खुद खदशात है कि उनके पास कभी अफगानिस्तान का पासपोर्ट था, और जो उनके हालात हैं जिस तरीके से अब कहा जाए, ये इस तरह की बातें मार्केट में है। लेकिन अफसोस है, इस पर मैं ब्लेम भारत को नहीं करूंगा। जिस तरीके से हमेशा पाकिस्तान ने एतमाद की फिजा कायम करने की कोशिश नहीं की, उसमें भारत को आप किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? लेकिन काश आज अगर देखा जाए तो भारत बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। काश कहीं पाकिस्तानी, मेरे वतन अजीज के लोग भी भारत से कुछ सीखते, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीखते, उनसे डिप्लोमेसी सीखते, उनसे डेमोक्रेसी के हालात सीखते। ख्वाहिश करना, ख्वाहिश करने में क्या हर्ज है? ऐसा ही है सर।
सर और इसके अलावा अगर हम बात करें इस टाइम इसराइल और हमास को लेके, कुछ लोगों का मतलब कुछ खबरों के मुताबिक ये है कि शायद सीज फायर की तरफ ये बात जाती नजर आ रही है, और इस्लामिक कंट्रीज का इसके ऊपर, जब ये जंग स्टार्ट हुई, कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो ऐसे मतलब इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से ये एक स्टांस आया, चाहे पाकिस्तान हो, ईरान हो, तुर्की हो, सऊदिया हो, कि हम तो एक दिन में ये कर देंगे, हम 2 दिन में वो कर देंगे, ना तो कुछ होता नजर आया और ना ही कुछ होता नजर आ रहा है आने वाले टाइम में। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। जब जब ये सारा ये सिलसिला कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उसमें शुरू में आहिस्ता शुरू में तो बल्कि मैं यहां तक कहूंगा कि वेस्ट और अमेरिका के लोग जो है उनकी भी फीलिंग्स थी, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीजें चेंज होती गई। आज के लिहाज से अगर देखा जाए तकरीबन 12,000 लोग जो है फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 5,000 बच्चे हैं। अब उसमें देखा जाए 57 इस्लामिक मुल्क इकट्ठे हुए रियाज के अंदर, उन्होंने मीटिंग की OIC की और अरब लीग की, लेकिन बयान से आगे नहीं बढ़ सके। टर्की है आज, वो भी बयान देता नजर आ रहा है। कोई मेरा ना कोई उस पर कोई भी ठोस फैसला करने से कासर है। चौहान साहब, यहां मैं ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा, हमारी सारी हर चीज के पीछे पॉलिटिक्स और पैसा इन्वॉल्व है। जिस तरीके से मैंने आपको कहा है कि आप पाकिस्तान में बैठे चाइना के अंदर वीगर मुसलमानों की आवाज नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? आप फलस्तीन के लिए तड़प रहे हैं, तो आप रोहिंग्या मुसलमान बर्मा के अंदर उनकी आवाज क्यों नहीं बनते? जिस तरीके से इराक और लीबिया में इस वक्त मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, उसकी आवाज क्यों नहीं बनते? सीरिया के अंदर कई ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन दर हकीकत हमारी हर चीज के अंदर पॉलिटिक्स और पैसा इन्वॉल्व है। करप्शन इज किलिंग इस्लामिक वर्ल्ड। मैटर ऑफ फैक्ट मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे पहला मसला आपका एजुकेशन है, तालीम है। खुदा ने आपको तेल दिया था, लेकिन आपने एक भी ढंग की यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं बनाई। आप एक एक भी ढंग का हस्पताल आपने नहीं बनाया। आज भी सऊदी, कुवैती, UAE, कतरी सारे इलाज कराना अमेरिका जाते हैं, अय्याशी करना इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन क्या ही अफसोस की बात है, कोई लाइब्रेरियां बनाते, कोई यूनिवर्सिटियां बनाते, कोई रिसर्च करते। अब भारत का, अब सऊदी अरेबिया इस वक्त देख रहा है कि आगे मजीद क्रिकेट पे गुजारा करेगा, बॉलीवुड पे गुजारा करेगा। मेरा मकसद है कि इस तरह जिंदगी गुजारने से अच्छा था अपने बच्चों को, अपने अगली जनरेशन को पढ़ाने की कोशिश करते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांच खोल लेते रियाज में, दुबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ब्रांच खोल लेते, ताकि लोग पढ़ते आगे। एक बात मैं जो सब बताना चाहूंगा, आज आपका और भारत का सबसे बड़ा डिफरेंस तालीम के मैदान में है, और और दूसरा आपका इशू जो है वो करप्शन है। करप्शन आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। मैं एक दफा फिर कहना चाहूंगा, आप गरीब मुल्क नहीं है, आप करप्ट मुल्क है। सर आपने बोला कि आज अगर मिडल ईस्ट की बात करें तो कोई बॉलीवुड की तरफ देख रहा है, तो कोई क्रिकेट मतलब इंडियन क्रिकेट की तरफ देख रहा है। सर फिर भी हमारे से तो कम से कम बेहतर है, अभी भी उन्हें समझ आ रही है कि अगर ऑयल आने वाले टाइम में उसकी इतनी अहमियत नहीं रहेगी तो हम कुछ ना कुछ अपना अल्टरनेटिव देखें। हमारे यहाँ पे जो चीज थी उसे जो 1947 में जो कंसेप्ट था, आज 2023 में भी वही कंसेप्ट चल रहा है। 1947 में जिसे दुश्मन कहते थे, आज 2023 में भी उसी दुश्मन कहते नजर आ रहे हैं। मतलब हमारी सोच क्यों नहीं बदल रही, मैं ये समझता हूँ। आपने बोला मिडल ईस्ट आज, यानी कि क्या बेहतर होता कि अपने बच्चों को एजुकेशन देते, यूनिवर्सिटीज देते, मैं कहता हूँ हमारे से कई गुना बेहतर है वो। कम से कम वो दुनिया के साथ चल रहे हैं, कम से कम वो दुनिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। चौहान साहब, पाकिस्तान का और कोई दुश्मन नहीं है, सिर्फ आप खुद पाकिस्तान के दुश्मन है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी है ही कोई, अभी तक पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी पैदा नहीं हुआ। काश को पैदा हो जो पाकिस्तान को बचाए। आप, मैं सबसे बड़ी मिसाल, लेकिन चौहान साहब मैं एक बात यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि आपने भी तरक्की बहुत की है, लेकिन आपने तरक्की दुबई और इंग्लैंड में की है। मैं कल की बात करना चाह रहा था, मैं एक वीलॉग सुन रहा था शब्बर जैदी साहब का, जो के कोई मामूली इंसान नहीं है, आपके फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के हेड रहे हैं। उन्होंने, उनका बयान था ये कल एक वीला के ऊपर, कि इस वक्त आपका $200 बिलियन पाकिस्तानियों का फॉरेन एसेट्स में पड़ा है, जिसका मेजोरिटी दुबई में और लंदन में है। शबर, अकॉर्डिंग टू द शबर जैदी साहब, उन्होंने कल अभी वीला में फरमाया कि इस वक्त दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में दूसरे नंबर पर, आफ्टर इंडिया, दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी है। और मेरे लिए इंतहाई शर्मिंदगी की थी कि अफगानिस्तान, जहां रोटी खाने को मिल रही, कोई सड़क सीधी नहीं है, तीसरे नंबर पर दुबई के अंदर प्रॉपर्टियां खरीदने में अफगानी है। तो मुझे आप ये बताएं कि आपका पैसा, जो आपने बहुत पैसा लूटा पूरी दुनिया से, आपने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया जब रशिया अफगानिस्तान में आया था। और मैं रशिया अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा यहाँ पे चौसा, मैं बल्कि आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। 1947 में हमारे जो कायदे आजम थे, उन्होंने गवर्नर जनरल का ओहदा लिया,
और जो पॉपुलर ओहदा था वो उन्होंने लियाकत अली खान को दिया। उस वक्त भी कंफ्यूजन था कि ये सदारती निजाम है या पार्लियामेंट्री निजाम है। आज भी इमरान खान के दौर में आप 18वीं तरमीम के पीछे पड़े थे, 76 साल के बाद आज भी आप कंफ्यूज हैं कि आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट करता है या सदारती निजाम आपको रूल सूट करता है। आप 1947 उससे पहले चॉइस अब मैंने पढ़ने की कोशिश की है कि हमारी हमारी फौज के हालात क्या है। इंपीरियल फौज एस्टेब्लिश की थी ब्रिटिश लोगों ने अपने फायदे के लिए, आज भी आप इंपीरियल फौज है, आपकी आपकी पीपल्स आर्मी नहीं है, आपकी इंपीरियल आर्मी है। लेकिन चौहान साहब इसमें एक मैं ये खास बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान, मेरी एक बात आपने गौर से सुननी है, चौहान साहब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं। जो बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही लंदन और दुबई के ख्वाब देखता है, वो पाकिस्तान के ख्वाब क्यों नहीं देखता। बात बताना चाहूंगा आपकी सबसे बड़ी जो सितम जरीफी है, एक इलेक्टेबल आपने नाम दिया है जो मैं उनको ब्रिटिश एजेंट कहूंगा, और दूसरे लोअर मिडिल क्लास से हमारे सीएसएस अफसर करके आते हैं छोटे ब्रिटिश एजेंट वो है। जब एक लोअर मिडिल क्लास से बच्चा असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्टी कमिश्नर बन के उसी बिल्डिंग में बैठता है जब यहाँ के गोरा बैठता था, तो वो पाकिस्तानी नहीं समझता अपने आपको, वो ब्रिटिश समझता है। यही मार है सबसे बड़ी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं, सर सारे आपने बोला ब्रिटिश कि और सारे अमेरिकन। कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जो है वो अमेरिका लंदन के ख्वाब देखता है। सर जब पाकिस्तानी पब्लिक से मैं ओपिनियन लेने जाता हूँ तो वो ये कहते हैं कि देखें नो डाउट पाकिस्तान से प्यार है, हर किसी को प्यार है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बीएस करने के बाद, इवन जो एमफिल करने के बाद, सर उन्हें जॉब नहीं मिल रही, उन्हें उन्हें 10-15-20 हजार की कोई जॉब नहीं मिल रही। कोई ठेला लगा रहा है, कोई अपना चावल बेच रहा है, कोई अपना क्या नाम लेते हैं इस तरीके से काम कर रहा है, अपना छोटा मोटा काम कर रहा है। आप खुद बताएं किस तरीके से फिर लंदन और अमेरिका के ख्वाब ना देखे जाए। और फिर बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि उस लंदन और अमेरिका को ही हम ये कह देते हैं कि दुश्मन है। मतलब हम डबल स्टैंडर्ड और थोड़ा कंफ्यूज नजर आते हैं हमारे पॉलिटिशियन। एक साइड पे हम ये कहते हैं इसराइल को छोड़ेंगे नहीं, दूसरी साइड पे हम जो है वो मतलब रैलियों में कोई स्टेटमेंट होती है और हमारे पॉलिटिशियन कुछ और करते हैं। इसके अलावा इंडिया की अगर बात, जी सर ठीक, आचो साहब आपने सबसे बड़ी बात है, आपने 1947 से आज आज तक भारत के साथ दुश्मनी को कारोबार बना लिया। सबसे बड़ी तो बात यह है, आपने जब तक ये कारोबार नहीं छोड़ना आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, भारत मान लिया, आप हमेशा कहते हैं कि हिंदू 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 है, ठीक है, अफगानियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, बांग्लादेशियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, ईरान के क्या साथ प्रॉब्लम है, सारे आपके मुसलमान भाई हैं वो। लेकिन दर हकीकत में आपको इन चीजों से बढ़ के, पहले तो आपकी मजबूरी थी, मैं मान ली बात, आपको हमेशा डराया जाता था कि अगर आप अच्छे मुसलमान नहीं बनेंगे हिंदू कब्जा कर लेंगे आके। जी हालांकि मैं यहां पे ये सोचता हूं, मैंने कल एक शबर जैदी साहब के मुंह से ये बात सुनी थी, वो ये कहते हैं पाकिस्तान बनाना एक हिंदू आइडियोलॉजी थी। वो क्यों थी? क्योंकि जो भी अफगानिस्तान से पठान चलता था वो सीधा दिल्ली चला जाता था दिल्ली लूटने के लिए। उन्होंने दिल्ली को बचाने के लिए पाकिस्तान बनाया, उन्होंने दीवार बना दी दरम्यान में। अब कोई भी पठान जो है वो आता है तो पाकिस्तान रुक जाता है, वो इंडिया पहुंच ही नहीं सकता। को है बनाया गया था, आप इसके खिलाफ आर्गू कर ले, अब भारत तो बच गया, दिल्ली तो बच गई, आप उजड़ रहे हैं रोजाना, आप सुबह शाम उजड़ रहे हैं। आप ये मुझे बताएं आप कितनी दफा उजड़े हैं, आप आज भी आप सेफ नहीं है। ये बच्चे आपके जो लौंडे लपाड़े हैं भाग भाग के फलस्तीन के लिए जिहाद करना चाहते हैं, टीटीपी के सामने नहीं जाते, ये आपके जी पठान भाई हैं, आपको नस्वार खा के आपको जूते मार रहे हैं सुबह शाम, उधर नहीं जाते आप। आपका वजीर आजम लंदन से आता है लंदन वापस चला जाता है, आपके मुर्शिद के बच्चे लंदन में बैठे हैं, आप तो पाकिस्तानी नहीं हो, आप किस तरह की बातें करते हो? आप कहते हो हम जिहाद करेंगे, जिहाद करेंगे, अब इस्लाम को तो पहले समझ लो, जिहाद के स्पेलिंग तो सीख लो पहले। लेकिन चॉइस साहब असल में बात यह है, आपका हर बंदा इस्लाम के ऊपर कारोबार कर रहा है, इस्लाम इसके ऊपर आप जो चीज बिकती है वो बेच रहा है। खान साहब ने नया पाकिस्तान से किस खूबसूरती के साथ यू टर्न लिया और उन्होंने रियासत मदीना के पीछे पड़ गए, उन्होंने किस खूबसूरती के साथ नए पाकिस्तान के ख्वाब को छोड़ के अमर बिन मारूफ के पीछे पड़ गए, किस तरीके से काले बकरों के साथ उन्होंने एक एटॉमिक पावर को चलाया। उनसे पूछा क्यों नहीं जा रहा, कौम उनसे पूछती क्यों नहीं कि हमारे पिछले 5-6 साल हमने जलीलो ख्वार किया है वो क्यों हो रहा है? दूसरा चॉइस, मैं तो बल्कि आपको मुबारक देना चाहता हूं, आज सर किसके सुना है लिए, आईएमएफ ने आपको, आईएमएफ ने 75 मिलियन 72 मिलियन भी दे रहे हैं और आगे कह रहे हैं हम मजीद पैसे भी देंगे, लंदन और दुबई की प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ने शुरू हो गए, मैं तो आपको मुबारक देना चाहता हूं। सर वो मुबारकबाद हमारे पॉलिटिशियंस को देनी चाहिए जिन तक वो डॉलर जाने हैं और फिर आगे जिन्होंने वो नहीं प्रॉपर्टी चॉइस साहब, खरीदनी है नहीं चॉइस हमारे साहब, लिए। सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं, सिर्फ हाँ पॉलिटिशियन नहीं,
आप सारी कौम को मुबारक जाती है, क्योंकि इस करप्शन में सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, जज और जर्नैल और सारे लोग इसमें शामिल। मैं देखने वालों को कहना चाहूंगा कि हम ऑलमोस्ट हर हफ्ते में एक या दो प्रोग्राम साजिद तार साहब के साथ करते हैं और हमेशा बड़े पोलाइट वे में वो बात करते हैं। आज मैं खुद हैरान हूं, मेरे पास बहुत से सवाल थे लेकिन उनका अग्रेसिव मतलब जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं या दर्द रखते हैं पाकिस्तान के लिए, दुख होता है, डेफिनेटली दुख होता है जब देखते हैं, आंखों से देखते हैं कि अपना घर जो है वो उजड़ रहा है, अपने पाकिस्तान की वैल्यू दिन ब दिन कम होती नजर आ रही। तो शायद उनके मतलब ये फीलिंग जायज है, लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हूं, मेरे जो सवालात हैं तो मेरे क्वेश्चन है वो थोड़े सा डिस्टर्ब हो गया, देखियो कैसे सर, आपको? एक चीज मैं अर्ज करना चाहूंगा। चोर साहब, आप जब पाकिस्तान में बैठते हैं आपको दुनिया नजर नहीं आती। मैं वॉशिंगटन डीसी में देखता हूं, जब जिस तरीके से भारत की तरक्कियां देखता हूं, जिस तरीके से मैं बांग्लादेश की तरक्कियां देखता हूं, जिस तरीके से मैं दूसरे ममालिक की तरक्कियां देखता हूं, और मुझे अपने मुल्क का रिवर्स गियर नजर आता है, तो जो कलेजा छलनी हो जाता है। आप मेरे बिल्कुल दर्द को समझ नहीं सकते। मादरे मिल्लत के कपड़े फटते देख रहा हूं 76 साल से। मेरे कान तरस गए हैं कि मैं मुझे कोई खबर मुझे पाकिस्तान से अच्छी खबर आए आज तक नहीं आई। तो मुझे आप किस तरह ब्लेम कर सकते? मैं उस पर एहतजाज भी ना करूं। मुझे कई दफा लोगों ने कहा गया तुम पाकिस्तान की बात करते पर सेंटी हो जाते हो, और मैं क्या सेंटी हो सकता हूं और कर क्या सकता हूं, क्या ऐसी कर है। सकता हूं इसके नहीं सर, अलावा? ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस हैरान हो रहा हूँ। मतलब यह है कि आपका एक मतलब मैं आज जो देख रहा हूँ जिस तरीके से आप इमोशनल वे में बात कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जब कोई इंसान किसी चीज के लिए, किसी कंट्री के लिए दर्द रखता है, डेफिनेटली बातें बेशक कड़वी करता है लेकिन अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार ये इंसान बहुत जो है वो फिक्रमंद है अपने पाकिस्तान के लिए। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर फॉरेन कंट्रीज की, जैसे आपने बात की, आपने यूएस की बात की, क्या वजह है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पहले नंबर पे तो वहां जाती नहीं, अगर जाती हैं खबर के मुताबिक अगर जाती हैं तो वो इंडियन लेबल के साथ सेल होती हैं, अदरवाइज मेड इन पाकिस्तान को वहां पे कोई लेता नहीं, कोई खरीदता नहीं, कोई वैल्यू नहीं देता। क्या इस बात में कोई सच्चाई या कोई ऑथेंटिसिटी है कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट इंडिया का लेबल लगे बगैर बिक नहीं सकती? चोइस साहब, बिल्कुल 100% कहूंगा, और उसमें मैं खास कर ये बताना चाहूंगा कि आपने अपने ब्रांड या पाकिस्तान को प्रमोट करने के लिए आज तक क्या किया है, मेरा ये क्वेश्चन मार्क होगा। दूसरी तरफ बॉर्डर के दूसरी तरफ जब मैं बता रहा हूं कि लाहौर से 100 किलोमीटर के दूसरे साइड पर लोग चांद पे पहुंच गए हैं, 2035 में अपना स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, अदित्या वन वो सूरज पे लेके जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन वो हैं, यहां पे दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उनके हैं, पांच कांग्रेसमैन उनके हैं यहां पे, मुझे ये बताएं कि भारत को उन्होंने ट्रेडमार्क किस तरह बनाया है? ऐसे ही और दूसरी सबसे बड़ी बात है, उनके कितने जनरल और जनरल जो है यहां पे जलीलों यहां पे किस तरीके से नेशनलिटी है। चौथा, मैं एक और बात बता, आज 70% रूलिंग एलीट है, वो सारे डुअल सिटीजन है। मैं शॉक हुआ अगले दिन देख के बाद, ब्यूरोक्रेसी का फर्स्ट क्लास एंजॉय करें आप, लेकिन साथ डुअल सिटीजनशिप भी रख सकते हैं, कोई कानून ही मौजूद नहीं है। तो ये भारत में ये चीजें नहीं है चोरी साहब, उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है। उनके वजीर आजम वही मरते हैं वही जिंदा रहते हैं, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूं आप उनको छोड़े, लीबिया का सदर भी मरा था, कजाफी लीबिया के अंदर मरा था, सद्दाम हुसैन भी मरा था तो इराक के अंदर मरा था, हमारे तो जिंदा होते ही जिंदा आके मरना है, पाकिस्तान क्या होता है? ये तो जवानी में चले जाते ना, आपका एक प्राइम मिनिस्टर आता है लंदन से दूसरा चला जाता है, ऐसे का ही कैपिटल आज भी मेरी नजर में तो लंदन है, और यही अलमिया है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कोई नहीं मौजूद इस वक्त जो पाकिस्तान को बचाने की ख्वाहिश रखता हो। मेरा मकसद, मैं तो इस पे अफसोस, तो प्रमोट आपकी प्रोडक्ट कौन लेगा? आप इस वक्त दुनिया में किस चीज के लिए मशहूर है? मैं कई दफा लोगों से मैंने पूछा है कि मैंने यहां कई दफा वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, अमेरिकन से पूछता हूं कि इफ यू थिंक अबाउट पाकिस्तान व्हाट कम्स इन योर माइंड, हमेशा एक ही लफ्ज कहते हैं, फ्रॉड, दो नंबरी या दहशतगर्दी, और तीसरी तो चीज कोई नहीं। आप प्रोडक्ट लेंगे इस तरह की किसी जहां से दो नंबरी हो, आपके पासपोर्ट नीचे से तीसरे नंबर पर है, आप खुद लेंगे? आप अगर वॉशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क, दुबई में खड़े होंगे, आप पाकिस्तान के प्रोडक्ट लेंगे? वो आप तो खुद, मैं कहता हूं, मेड इन इंडिया लगा के बेच रहे होंगे मेरे ख्याल में। तो दर हकीकत ब्रांड या कंट्रीज की इज्जत इस तरह नहीं होती, इसमें उम्रें लग जाती हैं, उम्रे लग जाती है। इस वक्त आपके पासपोर्ट, आपने 12,000 पासपोर्ट सऊदी अरेबिया के अंदर अफगानियों को बेच दिए। अभी बिल्कुल मैं कल खबर पढ़ रहा था कि इस वक्त आपको पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास पेपर ही मौजूद नहीं है, फ्रांस से वो पेपर मंगाते हैं, उस पर कितनी करप्शन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन चोर साहब, ये देखने के लिए कौम कुर्बानियां, कौम पहले तो कौमियत होनी चाहिए, पहले तो आप अपने आप को पाकिस्तानी समझें। पाकिस्तानी कोई नहीं समझता, मैंने बल्कि यहां देखा कई लोग तो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना पसंद नहीं करते। मैंने कई पाकिस्तानियों को यहां जानता हूं, वो कहते हैं हम इंडियन हैं, हम पाकिस्तानी नहीं।
आप प्रोडक्ट की बात करते हैं, लोगों ने ब्रांड छोड़ दिया, लोगों ने मुल्क छोड़ दिया आपका। ऐसे यार मैं बड़े लोगों को जानता हूं पाकिस्तान में, जो अपनी प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से, अपने बिजनेस पाकिस्तान से वाइंड अप करके यहां से जो है उसे क्लोज करके फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं और हमेशा के लिए जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगा सर, बड़ा अलमिया ये है। लास्ट में बस मैं यही कहूंगा या आपसे पूछूंगा इसके ऊपर आपकी ओपिनियन लूंगा कि बड़ा अलमिया या बड़ी फिक्र वाली बात ये है कि जो कुछ लोग, आप जैसे लोग या हम जैसे लोग कुछ कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा सा पाकिस्तान की पब्लिक को अवेयर किया जाए, बताया जाए दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया को छोड़े या नेबर में इंडिया में क्या चल रहा है, बिल्कुल साथ बॉर्डर के क्या चल रहा है, तो वो एक ऐसा जो है ना वो पेंट कर दिया जाता है कि यार ये इंडिया इंडिया करते हैं, यार ये बड़ा जो है वो भारत की सपोर्ट करते हैं, ये पता नहीं कोई एजेंट है, या मतलब ये एक कंसेप्ट बना दिया जाता है, मतलब बजाय ये सोचने के कि यार ये चाहे भारत भारत कर रहे हैं या इसराइल इसराइल कर रहे हैं या चाइना चाइना कर रहे हैं, बात सच कर रहे हैं या नहीं ये हम देखें, वो सिर्फ नाम सुन के, इंडिया का नाम सुन के कह दिया जाता है ये तो बात इंडिया की कर रहा है, ये तो है ही एजेंट है। सर मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रही है कि आप गलत करते हैं, भारत के साथ आप सही सलूक नहीं करते, उनकी फिल्में देखते हैं, गाने गाते हैं सारा दिन, आपके सारे फैशन आपके भारत से आते हैं, लेकिन उनकी तरक्की की जब बात आती है तो उनको हिंदू कह के मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं, ये तो गलत बात है। चाइना आप जाते हैं, सारा आपने सी पैक पूरा मुल्क बेच दिया चाइना के लिए, लेकिन विगर मुसलमानों की बात करें मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं आप। जब बात करें कि चाइना के अंदर कुछ जो करप्ट लोगों को गोली मार देते हैं, आप मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। कई दफा यहां से प्राइम मिनिस्टर गए हैं, कहते हैं हम चाइना सीखने जा रहे हैं, और तुम कमीशन लैंड जाते हो, सीखने भी तो कुछ आ जाओ, तो उनकी खबरें सुन लिया करो कि वो तरक्की किस तरह कर रहे हैं, वो देखो तो सही यार। कोशिश करो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वो क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में वो क्या पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से वो कंप्यूटर के आई वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो किस तरीके से आगे बिहेव कर रहे हैं। ये जुर्म है अपनी तरक्की के लिए अगर कुछ चीज सीख लो तो। ये जो तुम्हारे आका है, जो तुमसे अभी वोट भी लेने आएंगे नहीं लेंगे, इन सब के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, कोशिश करो ये सीखो इनके बच्चे बाहर क्या पढ़ रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त वो क्या ऐसे ही पढ़ रहे होता हैं, उनको जिहाद की ट्रेनिंग नहीं दे रहे वो। मैं गारंटी कर देता हूं मुर्शद इमरान खान के बच्चे जो हैं लंदन में, कोई जिहाद का कोई सब्जेक्ट नहीं वो पढ़ रहे। मेरे मुर्शद ने कई दफा कहा था कि ये सियासत नहीं जिहाद है, तो मैं पूछना चाहूंगा अपने बच्चों को जिहाद की तरबियत क्यों नहीं दे रहे, वो क्या वजह है। इस कौम के बच्चे तो मरवा रहे हो, कई जेलों में फंसे पड़े हैं, सारे लोगों के माओं के बच्चे जेलों में फंसवा दिए, अपने बच्चों को जिहाद की तरबियत क्यों नहीं सुबह लेने देते आप। पूछे आपके जितने लीडर हैं, कोई MNA टूटा फूटा उसका बच्चा भी न्यूयॉर्क फिर रहा है, उसका बच्चा भी लंदन पढ़ रहा है, इनसे पूछते बिल्कुल क्यों नहीं आप लोग, यही मेरी ये ख्वाहिश है। और इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बता ही सकता हूं ना कि तुहानू लुटन वाले सारे इतने मेरे आले दुआले फिरन लग गए जे, और कैनेडा सारा उन्हें मोल ले ले जे तुहाडे पैसों नाल, $200 बिलियन कोई छोटी जी रकम नहीं होती जो लूट के ले आए बाहर, बहुत बड़ी रकम होती है $200 बिलियन। ऐसा ही है सर, बिल्कुल अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं ये समझूंगा कि मैं डेली बेस पे 2-3 प्रोग्राम करता हूं और बहुत से लोगों के साथ ऑनलाइन सेशन करता हूं, और आपके साथ भी मेरे तकरीबन मेरे ख्याल से 25 से 30 प्रोग्राम हो चुके होंगे कम से कम, लेकिन आज आपका एक ये अग्रेसिव सा एक मतलब देख के, गेस्चर देख के और आपकी बातें सुन के मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, सुनने के लिए बहुत कुछ था और सीखने के लिए बहुत कुछ था। अगर कोई भी पाकिस्तानी आपकी ये बात सुन रहा है, अगर वो पॉजिटिव वे में इन चीजों को लेगा, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बातें दिल में जरूर लगेंगी, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर फील होगा कि हाँ यार इस बंदे